Yes, ठीक है. so द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट MCU 23. MCU 23 का ये टॉपिक है. MCU 23 का नोट्स मैं आज शेयर कर दूंगा. MCU 21, 22 और 24 मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ. 23 मैं आज शेयर कर दूंगा. ठीक है, तो आपके तकरीबन जो मेजर सब्जेक्ट्स जो अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे. ठीक है, MCOM में MCU 1, 4, 5 और 6 ये चार सब्जेक्ट पहले से थे, और जो चार सब्जेक्ट नए इंट्रोड्यूस हुए हैं वो चारों के चारों मैं आपको पहले शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि एक आइडिया बन जाए कोर्स को लेकर के. ठीक है, कि किस तरह का पेपर वगैरह आया है पिछले एग्जाम्स में, तो आप उनको लेकर के स्टडी स्टार्ट कीजिएगा. एंड इवेंचुअली मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे शेयर कर दूंगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक व्हिच इज फ्रॉम MCU 23, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है ना, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन ओके है, इस 3 नंबर वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी. ये हम लोगों ने कल किया था, हालांकि वो बी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर का टॉपिक था, बट यहाँ पे भी वो चीजें हैं क्योंकि मैनेजमेंट का ही हिस्सा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और इसमें स्ट्रेटेजी ही हम लोग बनाते हैं. तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी जो है बहुत कुछ आपको एक तरह की लगेगी सुनने में, तो वही चीज है. इलस्ट्रेट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या होती है. दूसरा पॉइंट है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट लीडरशिप इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. इसको हम लोग बाद में करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए. नाउ सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या होती है? सो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का मतलब ये कि खुद को दूसरे से अलग दिखाना, चाहे वो पैसे के मामले में हो, क्वालिटी के मामले में हो, क्वांटिटी के मामले में हो, वो किसी भी तरीके से आपको खुद को, आपको अपने प्रोडक्ट को दूसरे सारे प्रोडक्ट्स के मुकाबले खुद को अलग बताना है, अच्छा बताना है और यूनिक बताना है. ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि खुद को अलग बताना. अब वो अलग जब आप बताओगे तो किसी बिल्कुल ना किसी बेसिस पे बताओगे, जैसा कि मैंने बताया उसके प्राइस के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, है ना. सो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में क्या होता है? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी इज एन अप्रोच यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम दोज ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स इन वेज दैट दे क्रिएट यूनिक वैल्यू फॉर कस्टमर्स. है ना, कि आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट की तुलना में खुद को अलग बताते हो, बेहतर बताते हो, यूनिक बताते हो आपके कस्टमर्स के लिए. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ परसीव्ड यूनिकनेस. यहाँ पे एक परसीव्ड यूनिकनेस होगा, मतलब लोग उस चीज को उस तरीके से परसीव करेंगे कि भाई सच में काफी ढांसू फोन है. मैं फोन का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बार गलती कर बैठा था. मैंने फोन एक्साइटमेंट में ले लिया, और फोन लेने के बाद मुझे पता चला कि उसमें रैम तो जो चाहिए था वो था ही नहीं. रैम सॉरी रैम तो था, 4 GB का रैम था. मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ. रैम 4 GB का था, लेकिन जो रोम था वो आपका सिर्फ 16 GB का था. 10 साल नहीं, आई थिंक 10 साल ज्यादा हो गए, 7-8 साल पहले की बात होगी. मैंने वीवो का एक फोन लिया था, तो उसमें फीचर्स लेकिन बहुत अच्छे अच्छे थे. ठीक है, वो थ्री हैंड वाला जेस्चर करके आप स्क्रीन शॉट ले सकते थे, और भी बहुत तरह का चीज था. वो सब नया नया उस टाइम पे लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड में. सो वो सब फीचर्स के चक्कर में मैंने ले लिया, काफी अच्छा प्राइस उस टाइम पे, मतलब मुझे उस प्राइस पे मुझे और बेहतर फोन मिल जाता, बट मैं जस्ट फीचर्स की वजह से मेरा जो है कट गया था उस दिन. सो लोग अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट जो है एंड्रॉयड है, मेरा फोन भी एंड्रॉयड है, लेकिन इसमें कुछ खास फीचर्स हैं जो जो कि बाकी सारे फोन्स में नहीं है. उसके चक्कर में आप क्या है, फंस जाते हैं. फंसना बोलना गलत होगा, फंस तो मैं गया था, बट लोग आपको इसी तरीके से, मतलब एक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले अच्छा है. कैसे अच्छा है, तो ये पॉइंट्स उसमें बता देंगे कि ये सारी चीजें हैं. तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में इसी तरीके से ये काम करता है. ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग परसीव्ड यूनिकनेस एंड प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद समथिंग दैट सेट्स द ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट इन द मार्केट. ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे आपको लगे कि मार्केट में जो आपका प्रोडक्ट है वो एकदम यूनिक है, एकदम डिफरेंट है, वैसा कोई और है ही नहीं. ठीक है, डिफरेंशिएशन कैन बी अचीव्ड थ्रू वेरियस मीन्स. डिफरेंशिएशन को अचीव किया जा सकता है डिफरेंट तरीकों से. वो तरीके क्या क्या हैं? सच एज प्रोडक्ट फीचर्स. प्रोडक्ट में कुछ यूनिक फीचर्स है जिसकी वजह से आप उसको लेंगे. प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, है ना. एप्पल की बात अगर की जाए तो वो तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा ब्रांडिंग के मामले में, क्वालिटी के मामले में, फीचर्स के मामले में. हर मामले में ही एप्पल काफी आगे है, इसलिए लोग उसको लेते हैं. सो ये सारी चीजें. कस्टमर सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई सारी कंपनीज होती हैं कि सामान अपना बेच दिया बस, बिजनेस खत्म. लेकिन बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि लॉन्ग रन में
बिजनेस को चलाना चाहती हैं उसके लिए वो लोग कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। पहला 2 साल 3 साल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद जो है चार्जेबल रहेगा। तो 2 3 साल भी अगर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिल रहा है तो वो तो बहुत बड़ी बात है ना। तो वो भी एक तरह का डिफरेंशिएशन फैक्टर है। देखना जब आप कुछ लेने जाओगे ना तो आप चेक करोगे कि इसके ऊपर वारंटी कितने साल की है। जिसके ऊपर 3 4 साल का वारंटी ज्यादा होगा आप उस चीज को खरीद लोगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर खर्च इन फ्यूचर होता है उसके ऊपर तो उसके लिए आपको कुछ अलग से पे नहीं करना होगा, ठीक है ना। सो कस्टमर सर्विस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे भी लोग खेलते हैं इनोवेशन एंड कस्टमाइजेशन। आप कितना इनोवेट कर सकते हो, कितना कस्टमाइज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को, उसके बेसिस पे भी होता है। आप लोग कुछ कह रहे हैं क्या? नो 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 सर, ओके ओके ठीक है, ये नो हो गया। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इज टू क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, है ना। मेन रीजन यही है कि आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करना है अपने लिए। आप लोगों को जब बता रहे हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट यूनिक है, आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको आपका जो कंपटीशन है दूसरे प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ, उस कंपटीशन में आप खुद का एडवांटेज चाहते हैं, खुद का आप फायदा चाहते हैं। तो एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेने के लिए आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं और अलग और यूनिक बताते हैं। है सेम चीज, लेकिन आप यूनिक बता रहे हैं। जस्ट बिकॉज यू आर एडिंग सम फ्यू फीचर्स, आप बता रहे हैं कि भाई इसमें तो ये है वो है वगैरह वगैरह, है ना। सो बाई ऑफरिंग यूनिक एंड डिजायरेबल एट्रीब्यूट दैट कस्टमर आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है ना आपके प्रोडक्ट्स को खरीद लेंगे। एक प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए भी वो लोग रेडी हो जाएंगे, है ना। तो कुछ कुछ रेडी हो यूनिक जाएंगे। फीचर्स, कुछ कुछ डिजायरेबल एट्रीब्यूट आप डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट में जिसके जरिए लोग उसके ज्यादा तरफ ज्यादा आकर्षित हो और प्रीमियम प्राइस भी पे करने को वो लोग तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। सबसे पहला एग्जाम्पल एप्पल का ही है। कुछ स्ट्रेटजीज यस हैं, सबसे पहले देखते हैं। सो एप्पल INC, टेस्ला, टेस्ला का नाम आपने सुना है, इलॉन मस्क, है ना। सो उनका यस है। यस यस तीसरा स्टारबक्स का है। स्टारबक्स कॉफी बेच रही है, लेकिन क्या कॉफी बेच रही है पता नहीं, इतना महंगा। तो मैं तो कभी गया नहीं हूँ, देखें कभी जाएंगे तो पता करेंगे। चलो फिर एप्पल INC के बारे में देख लेते हैं। एप्पल हैज सक्सेसफुली डिफरेंशिएटेड इटसेल्फ इन द मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री थ्रू इट्स फोकस ऑन डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन। राइट, एब्सोल्युटली राइट। इन तीनों के मामले में इनसे बेहतर कोई नहीं है। जब आप एप्पल का फोन हाथ में लेते हैं ना तो लगता है कि फोन लिए हैं, है ना। सैमसंग भी अभी रिसेंटली, जो सैमसंग का S23 है, अगर आपके पास मतलब मेरे पास तो नहीं है बट मेरे फ्रेंड के पास है S23, मैंने लाइक चलाया हुआ है। तो S23 इज लाइक सेम जो एप्पल का फीलिंग है, मतलब वो पूरा मेटेलिक बॉडी टाइप का फील रहेगा एंड बहुत ही स्मूथ काम करता है, ठीक है। सो डिजाइन के ऊपर, यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर आपको चला करके लगेगा कि कुछ आप चला रहे हो, ठीक है ना। एप्पल में जो रिकॉर्डिंग होता है इतना क्लियर साउंड होता है, मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि जैसा लगा जैसे कि आप उस पे मूवी शूट कर सकते हो। मतलब इतना खतरनाक उसका कैमरा है, क्या ठीक है। तो वो है। सो बात उनका फोकस जो है डिजाइन के ऊपर है, यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर है एंड इनोवेशन के ऊपर है। वो देखना हर बार कुछ ना कुछ नया, जैसे अभी एप्पल 15 लॉन्च हुआ है, आई डोंट नो अभी कौन सा चिप उनका चल रहा है। A14 जो बायोनिक चिप था लास्ट ईयर iPhone 14 में, उसको इस तरीके से प्रमोट किया गया कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट चिप, है ना, फास्टेस्ट प्रोसेसर A14 बायोनिक चिप। आई थिंक इस बार 15 लॉन्च किया होगा उन लोगों ने iPhone 15 के साथ। मैंने इतना देखा नहीं उन लोगों का इवेंट, मैं मेटा एक्चुअली देख रहा था। सो मेटा ने भी काफी कुछ लॉन्च किया है, फेसबुक ने भी काफी कुछ लॉन्च किया है। सो वो हो गया। सो एप्पल डिवाइसेस में वही है कि वो लोग इनोवेट करते रहते हैं, ठीक है ना। द स्लीक डिजाइन, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, है ना। जो डिजाइन है वो बहुत ही स्लीक होगा, ज्यादा एकदम यू नो बल्की डिजाइन नहीं होगा। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होगा, जो इंटरफेस होगा वो यूजर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। अगर आप यूजर फ्रेंडली नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप मल्टीटास्किंग कर पा रहे हो अपने फोन पे, तुरंत एक टैब से दूसरे टैब में आप जा पा रहे हो। दीज आर द फीचर्स विच आर वेरी हेल्पफुल इन वर्किंग एज वेल एंड इन पर्सनल यूज एज वेल। दोनों चीजों में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का होना बहुत जरूरी है एंड सीमलेस इंटीग्रेशन अक्रॉस एप्पल डिवाइसेस। ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आपके पास अगर सारे चीजें एप्पल की हैं, एप्पल का टैब है, एप्पल का फोन है, एप्पल का यू नो लैपटॉप है, या फिर उसका मैकबुक है, आई मीन उसका डेस्कटॉप है, कुछ भी है, तो ये सारे डिवाइसेस ना एप्पल में आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और सीमिंगलेसली कनेक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपने ऑन किया और सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। सो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है मेरे ख्याल से, जो कि बहुत ही यूनिक बनाता है। सो बहुत क्रिएट अ बहुत यूनिक एंड बहुत डिस्टिंक्टिव यूजर एक्सपीरियंस दैट सेट्स एप्पल प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स।
एप्पल के मुकाबले भी कोई है? कोई नहीं है एप्पल के मुकाबले। नहीं। मतलब एक तो उनका आईओएस डिफरेंट है, सोचो हम लोग एंड्रॉयड को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब है, यूज ज्यादा करते हैं एंड्रॉयड, लेकिन आईओएस एंड्रॉयड है जहाँ पे मैक्सिमम जो जो आपके एप्स होंगे वो चार्जेबल होंगे, वहाँ फ्री एप्स बहुत कम रहता है, मैक्सिमम चार्जेबल ही रहता है, क्योंकि जो आदमी एप्पल का फोन चला सकता है वो चार्जेबल ऐप भी ले सकता है, ठीक है। सो वो बात है। वो सारी चीजों के कारण एप्पल जो है खुद को डिस्टिंक्टिव क्रिएट करके रखा है मार्केट में, और लोग उसको लेना भी चाहते हैं, ज्यादा प्राइसेस रहेगा लेकिन फिर भी लोग लेंगे उसको। वो एक चीज जो है उन लोगों ने क्रिएट करके रखा है। दूसरा पॉइंट है टेस्ला। अब टेस्ला में क्या खासियत है? टेस्ला का तो हालांकि बैक स्टोरी ही बहुत स्ट्रांग है, और अगर ऐसे हम बात करें तो एक टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कोई कंपनी बनाएगी ऐसा कोई सोचा नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में चलेंगे, वो भी बिना ड्राइवर के, वहां पे ड्राइवर का भी आपको जरूरत नहीं है, इतना मतलब सेंसर उसका स्ट्रांग है कि सामने आगे पीछे अगर गाड़ियां होंगी तो वो उसके अकॉर्डिंग चीजों का एडजस्ट कर लेगा। बहुत ही पाड़ू, मतलब कैसे ये लोग काम करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। तो टेस्ला भी एक तरीके से मार्केट में खुद को लेकर के आया है डिफरेंट चीजों के साथ, है ना, कि आप जो है विदाउट ड्राइवर आप गाड़ियां चला रहे हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी कार है सबसे पहली बात, तो पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। सो टेस्ला हैज डिफरेंशिएटेड इटसेल्फ इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बाय फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, है ना, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ही है, ऐसा नहीं कि वो लोग पेट्रोल वाला भी बना रहे हैं। तो चूंकि उनका एक सेम मतलब किसी एक चीज के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो उस चीज में वो और ज्यादा बेहतर हो पा रहे हैं, क्योंकि जब आपका ध्यान बढ़ता है दूसरा दो तीन चीजें जब आप करने लगते हैं तो आपका ध्यान बढ़ जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते, तो उस कंपनी का फोकस मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर ही है, और भी बहुत तरह का बिजनेसेस है उनका, डिवाइसेस वगैरह है, लेकिन मेनली जो उनका फोकस है वो कार्स के ऊपर ही है। सो द कंपनीज कटिंग एज इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, लॉन्ग ड्राइविंग रेंज, है ना, ज्यादा से ज्यादा मतलब एक बैटरी के चार्ज में आप कई किलोमीटर तक आप जा सकते हो, है ना, लॉन्ग ड्राइविंग रेंज एंड एम्फेसिस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी हैव क्रिएटेड अ यूनिक पोजीशनिंग इन द मार्केट। रिन्यूएबल एनर्जी वही जिसको आप दोबारा से क्रिएट कर सकते हो, गाड़ी चलाते चलाते आपका बैटरी चार्ज भी हो जाएगा, ऐसा भी सिस्टम उन लोगों ने लगा करके रखा हुआ है। तो वो भी चीज है, ठीक है ना, पोजिशनिंग इन द मार्केट, अपीलिंग द अपीलिंग टू इन्वायरमेंटली कॉन्शियस कस्टमर सीकिंग। तो ऐसे कस्टमर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट के बारे में वही लोग सोच पाएंगे जो जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, या ऑर्गेनिक चीजें वही लोग खा पाएंगे जो ऑर्गेनिक चीजें खाना अफोर्ड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक चीजें बहुत महंगी हैं, उसी तरीके से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी काफी महंगे होते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स काफी महंगी हैं, और इंडिया में तो गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा किया था कि इलेक्ट्रिक कार्स टेस्ला की लॉन्च ही नहीं हो पाई, बिकॉज यहाँ पे जो खर्च है बनाने का खर्च उससे कहीं ज्यादा उसके ऊपर टैक्सेस पड़ जा रहे हैं, जिसके कारण से, और बाहर की कंपनी डेफिनेटली आएगी तो हमारी इंडियन कंपनीज को नुकसान होगा, इसके कारण से भी गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाया है। इसको एक्चुअली कोटा सिस्टम में कहा जाएगा, और इसको कहते हैं कि अपनी इंडस्ट्रीज को बचाना, ठीक है ना, क्योंकि बाहर में जब बाहर से जब भी कोई कंपनी इंडिया आती है ना तो ढेर सारे पैसे लेकर के आती है, तो जब भी ऐसा होता है तो इंडियन जो मार्केट है वो पूरी तरह से क्रम्बल हो जाता है, तो उसको एक तरीके से सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। साथ ही साथ टैक्सेस को जो बढ़ाना है वो टैरिफ जो बढ़ाया गया है वो तो खैर है ही, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज टेस्ला नहीं आ रही इसलिए हम लोग टाटा की जो गाड़ियां ईवी वो हम लोग रास्तों पे देख पा रहे हैं, नहीं तो अगर अगर टेस्ला आ जाता और अच्छे प्राइस में आता तो डेफिनेटली लोग टेस्ला को ही खरीदते, ठीक है। सो वो है अपीलिंग टू इन्वायरमेंटली कॉन्शियस कस्टमर सीकिंग एडवांस्ड एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है स्टारबक्स। स्टारबक्स डिफरेंशिएट इटसेल्फ इन द कॉफी इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग अ प्रीमियम एक्सपीरियंस एंड यूनिक एटमोस्फेयर। मुझे जाके देखना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं है इसका, हाँ तो जाके देखना पड़ेगा। तो कैसे ये लोग कर रहे हैं, तो वो कॉफी इंडस्ट्री में है, कॉफी पिलाते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से पिलाएंगे आपको कि आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि $100 आप अगर खर्च करके आ रहे हैं तो सही है, 7,000 रुपए की कॉफी ठीक है, हालांकि 7,000 रुपए इंडिया में तो प्राइस नहीं होगा, 700 रुपए तक हो सकता है, $10 तक हो सकता है, खैर तो वो चीज है। तो एक हाँ यूनिक एक्सपीरियंस, एक यूनिक एटमोस्फेयर आपको प्रोवाइड करते हैं, कॉफी के ऊपर वो हार्ट शेप बनाना है ना, ऑल वो सारी चीजें की जाती हैं। द कंपनी फोकसेस ऑन हाई क्वालिटी कॉफी, हाई क्वालिटी कॉफी तो चलो ठीक है, पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस, ठीक है, हर एक कस्टमर के पास पर्सनली जाकर के उनको जो भी चीजें चाहिए उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, एंड इनवाइटिंग स्टोर एनवायरनमेंट विच क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव कॉफी हाउस एक्सपीरियंस दैट गोज बियॉन्ड जस्ट सेलिंग कॉफी। इंडिया में भी एक तरह की इस तरह की एक कंपनी है, पता है,
कौन सा? इंडिया में जो कंपनी है उसका नाम है कैफे कॉफी डे, कैफे कॉफी ओके डे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस कैफे कॉफी डे, सीसीडी के नाम से है। इंडिया में यस बहुत यस पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी भी नहीं है बट अच्छी पुरानी कंपनी है, और ये कंपनी बीच में बंद हो गई थी पर वापस से ये कंपनी आई है ओके ओके और मार्केट ठीक ही ठाक चल रहा है इनका, तो स्टारबक्स को भी टक्कर देने वाला एक कंपनी है। बिल्कुल सो दैट्स इट, बिल्कुल ये हमारा फर्स्ट पार्ट था 3 नंबर वाले क्वेश्चन का। थोड़ी देर में थोड़ा सा ब्रेक बोल लेकर के 10 मिनट का 3 नंबर का बी वाला भी कर लेते हैं आज, ठीक है? रहे हैं। अच्छा ओके गाइस, सो अभी कितना बज रहा है? अभी हो गया आठ अभी करंट एट बावन फिफ्टी मिनट एट 9 बजने वाले, 9:15 में ज्वाइन करते हैं, ठीक है? ओके सर, ओके ओके सर, ठीक है सर, ओके हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, बाय। बाय।